अब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटी सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ देखो, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, ठीक है, हो मेंस में न्यूमेरिकल आ सकता है। नीट और एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो इसके अंदर आपको ये बताया हुआ है। जो प्लेसमेंट प्रॉपर्टी के कोर्स में है नहीं, प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लेते हैं एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में अगर आप कोई भी एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं, यहाँ पे अगर आप बी डॉट डीएल लगाते हैं तो आपको यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा। करंट क्योंकि वायर्स में करंट है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ पास हो गई जो करंट की फॉर्म में ट्रेवल कर गई, ये डिस्प्लेसमेंट करंट से एक्सप्लेन किया गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में ये बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी है। बस इतना पता होना चाहिए, सफिशियंट है, और हमें नहीं करना है इसके ऊपर काम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं आपस में परपेंडिकुलरली एंड साइनोसाइडली, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेव आगे प्रोपोगेट करती है, ये एनर्जीज आगे प्रोपोगेट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस एनर्जी ट्रांसफर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे रहेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका ये फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर ये फॉर्मूले के साथ साथ ये भी याद रखना है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ याद रखनी है, देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएंगे। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, नंबर वन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है तो इस केस में साइनोसाइडली, तो दो फील्ड्स परपेंडिकुलर होंगे एंड इन द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ दी वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नंबर टू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो क्या ईएम वेव जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कोई चार्ज अगर वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रहा है, क्या ईएम वेव जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा कोई चार्ज पार्टिकल, तो ईएम वेव जनरेट होगी। तो एक्सेलरेशन वर्ड जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ई एम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है, इन फ्री स्पेस ई एम वेव का जो फॉर्मूला है सी इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो 3 × 10 की पावर 8 ये फॉर्मूला है। और अगर मीडियम चेंज होता है तो म्यू अब एप्सिलॉन दोनों चेंज होते हैं, तो वी की वैल्यू भी साथ के साथ चेंज होती है, ये याद रखना है। इसमें ई एम वेव ऑबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये ऑबे करता है, ये भी प्रॉपर्टी याद करनी है। अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर ई और बी चेंज हो रहा है, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर ई और बी की रेशियो को लूँ, जब ई चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा, तो वो आपको स्पीड ऑफ ई एम वेव देगा हमेशा। जैसे वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ई चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई बी भी होगा, और ई अपॉन बी की रेशियो 3 × 10 की पावर 8 होगी। नेक्स्ट है,
एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिवाइडेड है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बराबर बराबर डिवाइडेड है, याद रखना है। एंड ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है लाइट को शो करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव में इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज मेंशनड है, एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस ईएम वेव, बस और कुछ ही नहीं है। वो घुमाता रहेगा बात को कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, बट हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बस ये पूरी कहानी यही है, एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स ईएम वेव। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स नेचर है। प्रूफ पहले आता था, अब ये भी हट गया, आपके कोर्स में से नहीं आएगा कि इसे प्रूफ करने को आता था कि मैथमेटिकल प्रूफ करो कि ये इसका जो है ट्रांसवर्स नेचर है। हम गॉस लॉ से, हमने क्लास में किया भी था, गॉस लॉ से इसको प्रूफ करते थे, बट मेरे को लगता है कि पिछले साल 3 साल से पेपर में 5-6 साल से नहीं आया बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी हट गए, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थी ये बताने के लिए कि लैब में कैसे ईएम वेव को जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें ईएम वेव में एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव, ये तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड रहती है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करने को आ जाए तो भी हो सकता है, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने पे ये टर्म आएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/c² और ई अपॉन बी का मतलब क्या होता है सी, तो आंसर कट करने के बाद वन आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बराबर है, इसकी वैल्यू 1/c² इसलिए है क्योंकि सी का मतलब होता है 1/√μ0ε0, स्क्वेयरिंग करने पे ही अपने आप 1/c² आ जाएगा, ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे 100% क्वेश्चन आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ स्पेक्ट्रम का पार्ट, कुछ वेव्स का पार्ट हम देख सकते हैं, और जो वेव का पार्ट हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है गामा रेस, नेक्स्ट है एक्स रेस, नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। इनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ एनसीईआरटी के टेबल से याद करेंगे, एंड में मैंने बना रखे आपके बुकलेट में, लेकिन इनका ओरिजिन 101% आएगा पेपर में, ये पैदा कैसी होती हैं, ओरिजिन क्या है, ये पूछा जाता है एनसीईआरटी और मेंस, उसमें नीट में दोनों में पूछा जाता है। तो इसमें गामा रेज, गामा रेज हमने मॉडर्न फिजिक्स कर ली, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वो न्यूक्लियर ओरिजिन है, न्यूक्लियर जब न्यूक्लियस ब्रेक करते हैं तो गामा रेज, गामा एमिशन होता है, तो न्यूक्लियर एमिशन है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, इसका एमिशन ऐसे बोल सकते हो, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एमिशन, ये इसका एमिशन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये पैदा होती है जब रेडियो एक्टिविटी चलती है। नेक्स्ट एक्स रेज, मैंने ये नोट किया है पिछले 3 साल के पेपर में, दो वेव्स के ऊपर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आ रही है, स्टैंडर्ड, एक एक्सरे एक माइक्रोवेव, इनके ऊपर बहुत बार मल्टीपल एक्सरे तो हर पेपर में आ ही रहा है, तो एक्सरे और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज, वेवलेंथ की रेंज और इनकी प्रॉपर्टीज 100% याद करके जानी है, इसी में से पेपर आएगा सीबीएसई का जो पिछला पेपर बता रहे हैं। हाँ कुछ और आ जाए मैं कह नहीं सकता, प्रॉपर्टी तो सारी करके जानी है, पर इनके ऊपर ज्यादा जोर डालना ही डालना है। तो एक्सरेज का वो पूछते हैं ओरिजिन क्या है, एक्सरेज का अटोमिक ओरिजिन है, और हमने ये किया था एक्सरेज मॉडर्न फिजिक्स में भी लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था, कॉम्पिटिशन में किया था रादर, कि जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इनर शेल पे हिट करते हो किसी भी एटम के, तो वहां से एमिशन होता है, एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन, तो अटोमिक, देखो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता एक्सरे में कभी, रेडियो एक्टिविटी नहीं होती एक्सरे, अटोमिक ओरिजिन है, अटोमिक ओरिजिन का मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते, इनर शेल के होते हैं, तो इसलिए इसका अटोमिक ओरिजिन है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर इसकी हाई है, अल्ट्रावायलेट जो है वो सोलर स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और ये आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन से भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे वो मैंने बताया था कि आर्क्स, बिजली के आर्क्स हैं, तो जो आर्क्स जब यूज करेंगे मर्करी और आयरन के, तो ये जनरेट हो सकती हैं।
विजिबल लाइट जो है अटोमिक एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आएगा तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है इंफ्रा रेड रेज, कोई भी दुनिया की गर्म बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर सकती है या हीट है या हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एलसी ऑसिलेशन से जनरेट होती है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं किससे, अगेन ऑसिलेटिंग सर्किट से, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूजेस, इसकी प्रॉपर्टी पे पक्का क्वेश्चन आएगा, हर प्रॉपर्टी आपको ध्यान से पढ़नी है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे आपको वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर, ये फॉलो करती हैं ऑबे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्ट होती हैं ऑब्स्टिकल से जब इनके रास्ते में आते हैं। माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट व्हेन एब्जॉर्ब बाय द मैटर, ये चीज पता होनी चाहिए। इनकी जो एप्लीकेशन है कहाँ यूज होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत। नंबर वन, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, रेडियो वेव एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं, माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार सिस्टम, माइक्रोवेव्स आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव ओवन आर यूज फॉर कुकिंग एंड माइक्रोवेव आर यूज फॉर स्टडी ऑफ अटोमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, वो पूछता है अटोमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सी वेव काम आती है, आपने लिखना है माइक्रोवेव, ये अंडरलाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि बाकी तो फिर भी याद होती हैं, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखने वाली है, आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट इंफ्रारेड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं देखो वो तो बिल्कुल सेम है जो ऊपर माइक्रो और उसकी हैं, कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करती हैं, ये पोलराइजेशन सब कुछ करती हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इंफ्रारेड रेज फ्रॉम सन कीप द अर्थ वार्म एंड हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ये पता है। कोल डिपॉजिट जो है वो इंफ्रारेड रेज से बने, गर्मी वो पेड़ नीचे गिर गए थे गर्मी से कोल कोयला बन गया। दीज रेज आर यूज इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर, याद है। इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफ्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ये भी क्लियर है। दीज रेज आर यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक, दीज रेज आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, तो फ्रूट को सुखाते हैं और डिहाइड्रेटेड फ्रूट जनरेट होता है। दीज रेज आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ सैटेलाइट, ये भी क्लियर है। और यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, तो ये भी अंडरलाइन कर लो, अलग प्रॉपर्टी है। कहते हैं ना चोट लग गई सेक दे लो, वही है, मस्कुलर स्ट्रेन को ठीक कर देता है ये इंफ्रारेड रेज। तो नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का प्रॉपर्टी तो वही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब शो करती है। एप्लीकेशन में अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल बाय यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग फ्लोरेसेंस। अल्ट्रावायलेट ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज इन स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, फिर से ये दूसरी चीज है जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को काम आती है अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव भी है अल्ट्रा भी है, पर मैंने देखा है कि माइक्रोवेव के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है तो माइक्रोवेव प्रॉपर्टी तो पक्का लिखनी लिखनी है। नेक्स्ट है ये बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करती है एंड कॉज फोटोग्राफिक अफेक्ट है, तो ये बर्गलर्स अलार्म बनाने के काम आती है। एक्सरेज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरेज के ऊपर क्वेश्चन आना है, तो इसके अंदर ये आयनाइज करती है गैस को जिसमें ये पास करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करते हैं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और शेडो डालती हैं आगे किसी भी चीज़ की जिसके ऊपर ये गिरती हैं, और दे कैन पेनिट्रेट अ मटीरियल, ऑब्वियसली ये पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई है। तो इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, दीज रेज आर यूज इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर या जो भी ऑर्गन या जो भी करना है, कंट्रोल्ड एक्सरे एक्सपोजर यूज टू क्योर अनट्रीटेबल स्किन डिजीजेस, अंडरलाइन स्किन डिजीज के लिए काम आएंगी ये। दीज रेज आर यूज इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट क्रैक्स एंड जो भी है रेलवे लाइन के अंदर क्रैक ट्रूक्स होते हैं ब्रिजेस के अंदर, ये एक्सरेज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज बाय डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ताकि वो चोरी पकड़ सकें जो एयरपोर्ट वाला यूज करते हैं एक्सरेज करते हैं। दे आर यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग द पर्ल्स इन ओस्टर फॉर टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटीरियल एंड होमोजेनिटी ऑफ द टिम्बर, तो इसका कोई काम होता होगा। दीज रेज हैव बीन यूज्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूज्ड इन डिटेक्टिंग चेंज इन द ऑयल पेंटिंग्स। प्रॉपर्टीज के ऊपर कम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है रेंज पे और वेवलेंथ, वेवलेंथ की रेंज और फ्रीक्वेंसी की रेंज देता है वो, कि ये फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ किस वेव की है, तो एक्सरेज आएगा। मैं दिखाता हूँ प्रीवियस कैसा क्वेश्चन आया है। गामा रेज के अंदर प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, रेडियोथेरेपी में काम आती है, कैंसर के और ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में काम आएगी, फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए काम आएंगी, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काम आती हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, सबको पता है अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है,
अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वैसे तो देखो हाइट ऑफ एंटीना नहीं आया, मैंने देखा नहीं हाइट ऑफ एंटीना, फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ कि जिसके अंदर ये हाइट ऑफ टावर निकालते हैं एंटीना की, ये एच हाइट है, और ये सिलेबस चेक कर लेना एक बार, आर अर्थ का रेडियस है और ये ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, डी डिस्टेंस है जहाँ तक सिग्नल जा सकता है, तो टोटल 90 डिग्री का एंगल है, तो टोटल हाइट क्या है, एच प्लस आर, ये आर और ये डी, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो एच प्लस आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी आपके पास, इसे ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होकर ये टर्म आएगी, इन दो टर्म में से एच बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, तो दिस कैन बी निगलेक्टेड, तो आपके पास डी की वैल्यू आएगी, तो डी वैल्यू आ गई, तो जो सिग्नल है टॉप ऑफ द टावर से गोल घूमेगा हर तरफ, तो कितना एरिया कवर करेगा, पाई डी स्क्वायर, तो दिस इज द एरिया कवर्ड बाय अ सिग्नल, बता दिया। वैसे ये पिछले कई 5-6 साल से मैंने आता देखा नहीं है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन देखे हैं मैंने। नेक्स्ट ये पक्का करना है आपने, ये पक्का करना है आपने, इसमें पेपर आएगा तो एनसीईआरटी में से, रेडियो ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो यार, ये पक्का करो, ये तो पक्का आना है, 1 नैनोमीटर से 10^-3 नैनोमीटर जो है वो किसकी रेंज है, वो एक्सरे की रेंज है, और माइक्रो भी आता है 0.1 मीटर से 1 mm, करने तो सारे ही हैं, पर मैं प्रीवियस ईयर जो देख के आया हूँ बार बार एक्सरे माइक्रोवेव पे देख के आया हूँ, मुझे पता इस साल क्या आएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ये पक्का आएगा, तो अगर रेंज याद होगी तो वेवलेंथ का ऑर्डर भी याद होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पैदा होती हैं, हमने एक एक सिंपल तो कर ही लिया, कर चुके हैं कैसे पैदा होती हैं, एनसीईआरटी के देख लेते हैं, रेडियो वेव रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल, किसी भी एंटीना में तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं जिससे कि सिग्नल पैदा होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव जो है, मैग्नेट्रॉन वेल्व या क्लिस्ट्रॉन वेल्व, देखो मुझे नहीं पता ये कहाँ से लेके आया है वर्ड, ना इसके अपने एनसीईआरटी में बता रखा है, पर माइक्रोवेव में आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर लें, याद ही कर लें, मैग्नेट्रॉन वेव लिख दें, वेल्व लिख दें, या लिख दें अगेन एलसी ऑसिलेशन से भी माइक्रोवेव जनरेट होती है, हमारे घर में एलसी वो जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं वो एलसी ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एलसी ऑसिलेशन से पैदा होते हैं, तो फिर भी आप इसको याद करके लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि एनसीईआरटी वाला जो आंसर है कम से कम मैच हो जाए। नेक्स्ट है नेट पे पढ़ना, नेट पे पढ़ने वैसे पर जरूरत नहीं है इसको, बस एक वर्ड ही सफिशियंट है, हो तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। इंफ्रारेड रेज है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से पैदा होती हैं, ये याद रखना है। ये लाइट जो है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से होती है, याद रखना है। ये अल्ट्रा वायलेट में इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर अल्ट्रा वायलेट जनरेट होती है। एक्सरेज में एक्सरे ट्यूब लिख सकते हो या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बमार्डमेंट भी लिख सकते हो, बताया था एटॉमिक एक्साइटेशन है, या आप एक्सरे ट्यूब भी लिखोगे तो भी चलेगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना तो भी चलेगा। गामा रेज में डिके ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिविटी से जो न्यूक्लियस ब्रेक होता है वहां से गामा रेज जनरेट होती है। डिटेक्शन, ये कैसे पकड़ में आ सकती है कि कौन सी रेज है, उसको बोले डिटेक्शन। तो जो रेडियो वेव है वो एरियल्स एंटीना लगा रखे है हमने, तो फोन के अंदर भी एंटीना, हर जगह एंटीना जो सिग्नल को कैच करता है और रेडियो वेव को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, अब ये देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी नहीं है बट इसके अंदर ठीक है आप याद ही कर सकते हो, बाई चांस वैसे डिटेक्शन पे क्वेश्चन आया नहीं पर क्योंकि एनसीईआरटी का टेबल है कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसके डिटेक्शन याद रखना। डिटेक्शन में सर्किट को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंफ्रारेड में फोटोग्राफिक फिल्म करेंगे, इंफ्रारेड रेज फोटोइलेक्ट्रिक फिल्म को। थर्मोपाइल्स क्या होती है, थर्मोपाइल्स हम सिलेबस में रही नहीं वैसे, हम जब हीट जब गर्मी में किसी थर्मोपाइल का मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए जंक्शंस हैं बेसिकली, तो उसके ऊपर जब हीट गिरती है ना तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होती है, उसको उस अरेंजमेंट को थर्मोपाइल्स बोलते हैं। तो इस आप फोटोग्राफिक प्लेट लिखते तो भी चलेगा। नेक्स्ट है लाइट में दी आई फोटो सेल्स फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती हैं, ये भी तो कोई भी लिख देना। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट फोटो सेल्स डिटेक्ट कर लेता है,
अल्ट्रा वायलेट तो वहां भी काम आती है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसमें यूवी लाइट यूज करते थे, तो फोटो सेल्स या फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करता है। एक्सरे भी गीगा ट्यूब्स या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के हिसाब से इसमें चेक होती है, गामा रेज का भी आंसर सेम है। नज़र मार जाओ, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कम से कम देख रखा हो कि क्या है, स्पेशली इसको एक्सरे के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी की रेंज पक्का याद कर ली, रेंज तो आप याद कर ही लेंगे, वेवलेंथ की रेंज तो आप याद कर ही लेंगे, ऊपर एनसीईआरटी से फ्रीक्वेंसी की रेंज भी मेंशनड है। मैंने पेपर में फ्रीक्वेंसी की रेंज भी आती देखी है, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 12, ये जो भी लिखा हुआ है इतने हर्ट्स इसकी रेंज है। तो ये आपने रेंज करनी है फ्रीक्वेंसी की भी और वेवलेंथ की भी, याद रखना। तो ये आपका जो है ईएम वेव का चैप्टर है, प्रीवियस ईयर के अंदर देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या आया हुआ है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पेपर आता कैसा है। प्रीवियस ईयर में ठीक है, अरेंज दी फॉलोइंग ईएम रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया आपको, वो ऑर्डर आपने याद करना ही करना है, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये करना ही करना है, टेबल वहां से मार्क करना है। राइट टू यूजेज ऑफ एनी ऑफ दीज रेडिएशन, चलो ये भी सही है, इनके जो ऊपर वेव्स हैं इनकी यूजेस को लिखना है, यूजेस तो आप मन से कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज की यूजेस हमें आती हैं, या फिर चलो चॉइस ही आ गई इसमें तो और भी अच्छा हो गया, तो हर कोई ऑब्वियसली टेलीस्कोप ही बना लेगा, मर्जी है कि हर किसी की, जैसे जो चाहे, किसी को ये पसंद है किसी को ये पसंद है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, जैसे इसमें हाउ आर इंफ्रा रेड वेव प्रोड्यूस्ड, सोर्स पूछ रहा है इंफ्रा रेड रेज का क्या सोर्स है, तो कोई भी गर्म बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रा रेड रेज, एंड पहला, दूसरा ये भी लिख सकते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल रहा था वो अटोमिक, उससे भी इंफ्रा रेड जनरेट होती है। वाई आर दीज वेव रेफर टू एज अ हीट वेव, क्योंकि जिसके ऊपर गिरती हैं वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये हीट वेव हैं। गिव एनी टू यूजेज ऑफ इंफ्रा रेड वेव, सही है, ये तो आसान है। नेक्स्ट है हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस, बोला था मैंने एक्सरे ट्यूब्स, ठीक, या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट इनर्शियल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये लिखना है, दोनों लिख देना चाहे वन एंड टू, टू यूजेज ऑफ दीज, इसका मतलब एक बात तो पक्की है, अगर आप इन पेपर्स को देखें हर वेव के कम से कम दो यूजेस तो करके जाने जाने हैं, वो हर बार यही पूछ रहा है, कोई वेव देखे दो यूज बताओ, अब मन वहां पर सोचे हैं कि क्या तुक्का मार रहे हैं, अच्छा पढ़ी जाओ यार दो प्रॉपर्टीज, तो दो दो प्रॉपर्टीज सबकी याद करके ही जानी है सबने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज सी मूविंग विद एक्सेलरेशन, सही है, तो मूविंग विद एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ई एम रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ? मैंने बोला था ना एक्सरे होना चाहिए, शायद एक्सरे नहीं है, गामा। हाँ एक्सरे बीच में आता है, गामा ऊपर नीचे होते हैं, राइट, गामा, गामा, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर गामा सबसे एंड में है। सही है, गामा सही है। नेक्स्ट है, वैसे भी लीस्ट या मैक्स में ऊपर नीचे की आएगी ना, एक्सरे तो बीच में कहीं पर फिट इन होते हैं। सही है। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा राइट, अच्छा अच्छा ठीक है, ये रहा। आइडेंटिफाई द ईएम वेव हुज वेवलेंथ रेंज इज अबाउट। हम देखो ना, मतलब बंदा रट्टे मार के जाएगा तब आंसर होगा। मेरे को भी देखना पड़ा, याद तो मेरे को भी नहीं था, तो मैंने देखा ये एक्सरे और ये माइक्रोवेव है। मैंने वो बता ही दिया, एक्सरे और माइक्रोवेव की रेंज के ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आने आने हैं, चाहे वो अरेंजमेंट में आए, अरेंज दी फॉलोइंग, या ये तो सबसे बेकार होता है, इसमें वैल्यू पूछ लेता है कि इसमें कौन लाई करेगा, पर चलो आया हुआ है लास्ट ईयर तो फिर करना तो पड़ेगा ही आपको। फ्री के नंबर है, 5-7 वेव तुम्हें तो याद करना पड़ेगा आपको। इवन मेडिकल के अंदर भी मैच दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में इस टाइप के, तो करने चाहिए कि आपको। और नॉन मेडिकल में क्या आता है वो तो 27 तारीख से पता लग ही जाएगा सबको, अभी पेपर है। हाउ आर ई एम वेव प्रोड्यूस्ड? राइट टू करेक्टरिस्टिक्स, दो प्रॉपर्टी लिख दो, 3×10^8 है, और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो लिखना है प्रॉपर्टी लिखो, और कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक्सेलरेटेड चार्जेस, कितने नंबर का है, दो, तो कैसे लिखोगे, दे आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, और दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा भर देना पेपर यार, एक्टिव पैसिव जो लिखना है लिख देना, और काम की चीज को अंडरलाइन कराना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, दे द ग्रेट सिमेट्री नेचर आगे पीछे भर देना जो भरना है, पर ये जरूर लिख देना कि दे आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, पहली लाइन ये लिखनी है, फिर जो मर्जी लिखो, ठीक। फिर ये लिख दो रेस्ट पे प्रोड्यूस हुए चार्ज नहीं प्रोड्यूस करते, हाँ ना, जो समझ लिखते रहो, पर वो अंडरलाइन जरूर कर देना आलतू फालतू के आगे, वो देख ले टीचर की क्या लिखा है। ईएम वेव इतना ही है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं।